Like a Hellcat. Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Center of gravity का आज का जो वीडियो है इसमें हम center of gravity in three dimension जो ज्योमेट्री होगी, three dimension जो आपको पूरी बॉडी दी होगी उसके center of gravity हम डायरेक्टली निकालेंगे, कोई generating diagram नहीं देखेंगे उसका. इसको अलग तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं. ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक, एरिया, लेंथ, सारे वॉल्यूम, सॉलिड, हर एक टॉपिक को मैंने फॉर्मूला वाइज डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थ्री डायमेंशन का लास्ट जो टॉपिक है, और इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं. तो इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स करते रहें, और एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं उनमें से कोई अलग कंसेप्ट लगे. तो इस लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें भी हमने, जिसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं थी, ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहें. तो फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है, उस पर फोकस करते हैं. एलिप्सॉइड आपको दिया हुआ है, और इस एलिप्सॉइड की आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. डेंसिटी आपको कॉन्स्टेंट दी है यहाँ पे. एक्स बार के फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी एम अपॉन डी एम. डी एम मास होता था, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब यहाँ पे वॉल्यूम होगा क्योंकि हम पूरा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री ले रहे हैं, और वॉल्यूम को हम कैसे निकालते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये रो हो गया. और इस जब हम वॉल्यूम निकालेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड से, तो सिंगल इंटीग्रेशन ना यूज़ होकर के ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ हो जाएगा. बस इतना सा डिफरेंस है इसमें. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड. अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो डेंसिटी की वैल्यू आप रख लेंगे, और डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी हट जाएगी इसमें से, रो कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं. अब आप देखो, जो एक फॉर्मूला होता है ड्रिसलेट फॉर्मूला, बीटा एंड गामा फंक्शंस का फॉर्मूला है, उसकी एप्लीकेशन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा. जो सर्फेस हमको जो एलिप्सॉइड दिया हुआ है, उस एलिप्सॉइड में हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन ए का जो स्क्वायर है उसको मान लेते हैं यू. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a u की पावर 1 बाई टू. तो dx कितना हो जाएगा, a बाई टू यू की पावर माइनस 1 बाई टू डी यू. फिर y अपॉन b के स्क्वायर को हम मान लेते हैं v. तो y इक्वल टू कितना हो गया, b v की पावर 1 बाई टू. तो dy इज इक्वल टू कितना हो गया, b बाई टू v की पावर माइनस 1 बाई टू डी वी. ऐसे ही z अपॉन c का स्क्वायर को हम मान लेते हैं w. तो ये क्या हो जाएगा, जेड सी डब्ल्यू की पावर 1 बाई टू. तो डी जेड इक्वल टू हो गया 1 बाई टू सी डब्ल्यू की पावर माइनस 1 बाई टू डी डब्ल्यू. अब अगर हम ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारी, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 को हम लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं. ये तीनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. और एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा है. टोटल ऑक्टेंट्स कितने होते हैं, 8. तो पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है या उसके इक्वल हो सकती है. तो अगर किसी सरफेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि तीनों वेरिएबल का सम 1 से छोटा है और जीरो से बड़ा है, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, तो उस केस में आप ड्रिसलेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. और ड्रिसलेट फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हमको अप्लाई करना है, मैं अभी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ. पहले हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो एक्स बार की अगर हम बात करें, x बार क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन x, x की जगह पे कितना आ जाएगा, a u की पावर 1 बाई टू डी एक्स की जगह पे a बाई टू यू की पावर माइनस 1 बाई टू. ये इसको आपको ध्यान में रखना है, अब मैं हटा दे रहा हूँ उसको. डी वाई की जगह पे b बाई टू v की पावर माइनस 1 बाई टू, और c बाई टू w की पावर माइनस 1 बाई टू डी यू डी वी डी डब्ल्यू अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz a बाई टू यू की पावर माइनस 1 बाई टू बी बाई टू
वी की पावर माइनस वन बाई टू, सी बाई टू, डब्ल्यू की पावर माइनस वन बाई टू, डी यू, डी वी और डी डब्ल्यू। ए बाई टू कॉन्स्टेंट कैंसिल आउट, बी बाई टू कैंसिल आउट एंड सी बाई टू कैंसिल आउट। ध्यान रखना है आपको साथ साथ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है लेस देन इक्वल टू वन और जीरो से बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि तीनों वेरिएबल की डिग्री वन हो, उनका सम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे और जीरो से बड़ा है, तो उस केस में आप डिरिचलेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो डिरिचलेट फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ए बाहर आ गया, यू की पावर जीरो, यू की पावर जीरो को हम लिख सकते हैं वन माइनस वन, वी की पावर माइनस वन बाई टू को मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू माइनस वन, डब्ल्यू की पावर वन बाई टू माइनस वन, डी यू, डी वी, डी डब्ल्यू। ट्रिपल इंटीग्रेशन, यू की पावर वन बाई टू माइनस वन, वी की पावर वन बाई टू माइनस वन, डब्ल्यू की पावर वन बाई टू माइनस वन, डी यू, डी वी, डी डब्ल्यू। एक फॉर्मूला है जो डिरिचलेट फॉर्मूला है, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। इसका फॉर्मूला है गामा एल, गामा एम, गामा एन। गामा फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, गामा एल, गामा एन और उसके बाद अपॉन में आ जाता है एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला, वही फॉर्मूला ऊपर नीचे अब हम अप्लाई करेंगे। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि वो कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो ए ये कितना हो जाएगा, गामा वन, गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू अपॉन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू अपॉन गामा वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन। तो ये डिरिचलेट फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। गामा वन वन हो गया, वन बाई टू, गामा वन बाई टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये थ्री बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू गामा, गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू और गामा वन बाई टू। तो ये दो टर्म्स इसमें कैंसिल हो गए। एक्स बार गामा फाइव बाई टू को आप लिख सकते हो थ्री बाई टू, वन बाई टू, गामा वन बाई टू, गामा थ्री होता है टू फैक्टोरियल यानी कि टू हो गया और गामा वन बाय टू ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये थ्री अपॉन में जो टू है थ्री टाइम्स टू आ गया, तो थ्री बाई एट ए, एक इसकी वैल्यू आ गई, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई थ्री बाई एट ए। अब आपको वाई बार निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो वाई बार कितना आ रहा होगा थ्री बाई एट बी और जेड बार कितना आ रहा होगा थ्री बाई एट सी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इसके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कैसे आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, कैसे डिरिचलेट फॉर्मूला यूज़ करना है मैंने आपको बताया। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आप करते रहें। देखिए स्टूडेंट्स, दो न्यूमेरिकल्स मैंने उसी तरीके के लिखे हुए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का यूज़ करके ही निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो इलिप्सॉइड अभी भी दिया हुआ है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्स अपॉन ए का जो स्क्वायर है उसको यू मान लेना है, वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जैसे मैंने अभी निकाली थी। बस यहाँ पे जब आप एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार में हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स रो, रो की जगह पे क्या आ जाएगा म्यू, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर इंटू डी एक्स, डी वाई, डी जेड अपॉन में रो, रो का मतलब म्यू, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, आर की पावर जेड, सॉरी जेड की पावर आर, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बाकी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, एक्स वाई जेड को यू के, यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड को डी यू, डी वी, डी डब्ल्यू उसी तरीके से कन्वर्ट करना है जैसे मैंने अभी न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद आपका फिर से वो डिरिचलेट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और डिरिचलेट फॉर्मूले से आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। एक्स बार निकालेंगे और वाई बार और जेड बार आप सिमेट्रिकली निकाल सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन, आपको पॉजिटिव ऑक्टेंट लेना है यानी कि जीरो से बड़ा और वन से छोटा, ये फिर से सरफेस बन जाएगा और एक्स अपॉन ए की पावर टू बाई थ्री को आप क्या मान लेंगे यू। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू की पावर थ्री बाई टू,
तो dx कितना हो जाएगा, 3/2 a u की पावर 1/2 du। इसी तरीके से dy और इसी तरीके से dw निकालना है, और फॉर्मूला आपको x बार का फिर से उसी तरीके से अप्लाई करना है, x बार x रो dx dy dz अपॉन रो dx dy dz, क्योंकि यहाँ पे रो कांस्टेंट है, रो नहीं दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में रखेंगे, फिर से डिरिचलेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको उसी तरीके से निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हर एक टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ, न्यूमेरिकल्स हर एक न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं है, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं करा चुका हूँ। आप इनसे मिलते जुलते जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप बुक से सॉल्व करें, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो जो प्रीवियस सीरीज़ हमारी रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर चल रही थी, उसके कुछ वीडियोस के बाद उनके आगे के वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, तो नेक्स्ट वीडियो से टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के जो आगे के सीरीज़ बची हुई है उसको कंटिन्यू हम करेंगे।